जमशेदपुर के दक्षिणी छोर में पड़ने वाले बागबेड़ा में लाल बिल्डिंग से करंडी चौक तक करीब 4 किलोमीटर लंबी सड़क वर्षों से खराब है। सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। यहाँ कोई कैब नहीं जाती। वाहन चालकों के पास बुकिंग आने के बाद वे इसे कैंसिल करा देते हैं। बचपन से यहाँ पे साई कॉम्प्लेक्स में भी हम लोग छोटे थे तो रह रहे हैं, लगभग 25 साल हो गए हैं। 25 साल तो मेरे नॉलेज में हो गया कि ये रोड नहीं बना है, अब पता नहीं कब बनेगा। कैब वैब कोई आते नहीं रहता है, हम लोग कितना बुकिंग करते बहुत कैंसिल कर देता है, फिर जाके कैब आता है। यह सड़क घागी डी सेंट्रल जेल के गेट के सामने से गुजरती है। इस सड़क से प्रतिदिन अपराधियों को कैदी वैन से कोर्ट ले जाया जाता है। इस सड़क पर लोगों का वाहन तो क्या, पैदल चलना भी मुश्किल है। बारिश में इसका हाल और भी बुरा हो जाता है। सड़क पर गड्ढों में पानी भर जाता है और कीचड़मय हो जाता है। पुटका विधानसभा में आने वाली इस सड़क पर ना ही विधायक संजीव सरदार का ध्यान पड़ रहा है और ना ही सांसद विद्युत वरण महतो का। पूर्व में तत्कालीन सांसद डॉक्टर अजय कुमार के काल में इस सड़क का जीर्णोद्धार हुआ था, लेकिन उसके 9 साल बाद भी किसी जनप्रतिनिधि की नजर इस पर नहीं गई। 20 साल से हम देख रहे हैं और यही नतीजा है, कभी कोई एमएलए एमपी इसके ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं। हमेशा दुर्घटना का समस्या बन जाते हैं, वाटर लॉगिंग पूरा है, वर्षा में तो एकदम चलने लायक नहीं रहता है और लोकल आदमी को थोड़ा प्रोटेस्ट करना चाहिए, वो भी नहीं देख रहे हैं। ना जरूरी है बनाना, क्योंकि कभी भी आदमी जो गाड़ी उधर से लेके आता है चाहे इधर लेके जाता है, उसी बीच के दौरान जो रोड ऊपर नीचे कट गया है उसके चलते जो है ना एक्सीडेंट होने का बहुत संभावना रहता है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।